दोस्त आपका पेन ड्राइव बहुत बार करप्ट हुआ होगा और नहीं तो आप मेमोरी कार्ड बहुत बार करप्ट हुआ होगा तो आप उसको क्या कर देते, फेंक देते होंगे। सो मेरे साथ भी एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने क्लासेस को जा रहा था तो तभी मुझे एक रास्ते पे पेन ड्राइव मिला, 16 GB का, फुल एकदम अच्छा पेन ड्राइव था। लेकिन बाद में मैंने घर जाकर देखा तो वो करप्ट पेन ड्राइव था। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो करप्ट पेन ड्राइव को रिपेयर नहीं कर सकते, उसके बाद उनको प्रॉब्लम आता है कि ये पेन ड्राइव का हम लोग क्या करें, इसको कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, इसका हम क्या कर सकते हैं अब, तो वो लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये फेंकना बहुत बुरी बात है क्योंकि आज के वीडियो में वही बताने वाले, इस करप्ट पेन ड्राइव को ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत से केसेस में पेन ड्राइव ठीक हो जाता है और ये आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये ठीक हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जा सकते हैं आप, क्योंकि पेन ड्राइव भी आजकल सस्ते नहीं है, 500-600 के पेन ड्राइव है। तो मेरा नाम है भावेश, आप देख रहे हैं टेक लर्नर, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप बताने वाला हूँ करप्ट पेन ड्राइव को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो करप्ट पेन ड्राइव, आपको करप्ट पेन ड्राइव देख के क्या समझ में आता है? जिस पेन ड्राइव की मेमोरी करप्ट हुई है, जिसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेमोरी कार्ड एक कहाँ से मुझे आया, मेरे घर पे था, 8 GB का मेमोरी कार्ड था, ये देखिए फॉर्मेट डिस्क, तो मैं फॉर्मेट करने को चला जाता हूँ। आप समझ होंगे इतना आसान है क्या इसमें करना है, या फॉर्मेट डिस्क करते, ये देखिए मैंने भी ओपन क्लिक कर दिया, ये देखिए विंडोज अनेबल टू फॉर्मेट दिस डिस्क। मैं आज दो तरीके बताने वाला हूँ। पहले तरीके में भी ये फॉर्मेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करा, और डाउनलोड होते ही मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा। पहले तरीके के लिए आपको आपका बस स्टार में स्टार्ट बार में चाहिए, स्टार मेन्यू में जाना है, क्या कुछ CMD टाइप करना है, CMD विंडोज XP के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, रन टाइप करना है विंडोज XP के लिए, रन टाइप करना है उसके, नहीं तो डायरेक्ट CMD आता है। फिर यहाँ पे CMD टाइप करना है, फिर ओपन करना है, ऐसे ओपन हो जाएगा। आप चाहे आप विंडोज XP को छोड़ के दूसरे विंडोज है तो भी आपको ये आप ये कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको टाइप करना है डिक्स पार्ट, हाँ ये देखिए डिक्स पार्ट खुल गया। यहाँ पे टाइप करना है शो डिक्स, आपने डिक्स पार्ट स्टार्ट कर दिया, मेरे से इसमें कुछ तो गलती हो गई, हाँ शो डिक्स ने मैं भूल गया, लिस्ट लिया है इसके डिक्स टाइप करना है, ये देखिए डिक्स टाइप हो गया। अभी आपको डिक्स 0 ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये मैं आपको विनती करता हूँ। आप देख सकते हैं 465 GB की डिक्स फोन है, वो आपके हार्ड ड्राइव है, आप गलती से आप अपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट मार दोगे, उसके बाद आपको पछताने के सिवा आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। प्लीज़ वैसा मत कीजिए, आप यहाँ पे टाइप कीजिए सिलेक्ट डिक्स 1। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंसर्ट रहता है आपके कंप्यूटर में, अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो, स्पेस डिक्स 1, ये देखिए डिक्स 1 सिलेक्ट हो गया, जो मेरी 550 MB की है। आपका हार्ड डिस्क GB में दिखेगा और आपका जो इंसर्ट एक्सटर्नल पेन ड्राइव नहीं तो कुछ भी एक हार्ड डिस्क वगैरह वो आपको MB में दिखाएगा। तो आप टाइप करते हैं क्लीन, ये देखिए डिस्क पार्ट इस सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। तो आपको बस टाइप करना है EXIT EXIT, सही हो गया। उसके बाद मैं अपने डिस्क को निकाल लेता हूँ, ये वापस से इंसर्ट कर देता हूँ, देखते क्या हुआ, नहीं ये तरीका ठीक नहीं हुआ। मुझे भी इसमें एक सॉफ्टवेयर इंसर्ट मारना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड मार सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल मेरा PC का नेट का प्रॉब्लम हो गया, तो ये मैं आज की वीडियो भी आपके लिए मोबाइल के नेट से डाउन अपलोड करने वाला हूँ। मेरे एग्जाम चल रहे, इसकी वजह से मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड नहीं किए, मेरे से बहुत सी गलतियाँ हो भी गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं अभी अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर आप इंसर्ट करते बाद में डिलीट मार दीजिएगा। ये डिलीट क्यों मार रहे हैं आपको मेरे आगे के हैकिंग सीरीज में पता चलेगा, जब आप वो सीरीज देखोगे आपको वापस से कभी किसी भी एक्सटर्नल साइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं मारोगे, तो आपको मेरे हैकिंग सीरीज में पता चल जाएगा क्या आपको डिलीट क्यों मारना है, नहीं तो बाद में बहुत महंगा सौदा रहता है सॉफ्टवेयर को इसमें चलाने के लिए।
सो दोस्तों, मेरे कभी वाईफाई का इशू था, इसलिए मैंने इस वीडियो को पॉज किया था, तो और मैंने सॉफ्टवेयर भी इसमें इंसर्ट कर लिया है। ये अब मैं अपने मोबाइल से मेमोरी में जाके, अगर मैं आपको और एक सलाह दूँ, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप ये म्यूज़िक ना, ये क्लोजर वगैरह, ये दूसरे म्यूज़िक को छोड़ के ये NCS जो है ना, वो म्यूज़िक आप डाउनलोड मार लीजिए। मैं उसका आपको आगे बताऊँगा, वो नॉन कॉपीराइट रहते हैं, उसका आपको कॉपीराइट नहीं लगेगा। फाइल खोल, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपने डिवाइस से दो फाइल कॉपी मार लिए, दोनों में से कौन से एक चलते, मैंने एक, हाँ दोनों एक ही फाइल है। आप देख सकते हैं ये जिप फाइल और ये, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, जो देखते इसमें डिफरेंस कितना है। ये इसका सिंबल है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये ज़्यादा MB के। अभी हम इस फाइल को स्कैन भी मार लेते, क्योंकि मैंने जब पहले भी अपने एक पेन ड्राइव को 16 GB के इसको रिपेयर किया था, लेकिन उसका प्रॉब्लम आ गया, उसमें इसने मुझे धोखा दिया था, इसके लिए मैं इसको तो स्कैन मारूंगा ही। दोस्तों देखिए, ये फाइल से फिर तो आप इसको यूज कर लीजिए, आप इसका अपने अभी मैं इंस्टॉल मार देता हूँ, और ये वीडियो बहुत लॉन्ग होती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इन दोनों में से आप दोनों इंस्टॉल मार लीजिए, जो इंस्टॉल होगा वो चलेगा। तो ये मैंने अपने हार्ड डिस्क को सिलेक्ट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, तो आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कौन सा हार्ड डिस्क कनेक्ट हो गई तो आप फॉर्मेट हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो मैं इसको भी फॉर्मेट मार देता हूँ, वेल टू फॉर्मेट द डिवाइस। ये देखिए, ये कुछ तरीके से वो फॉर्मेट करते हैं, लेकिन मेरा ये अभी भी डिस्क फॉर्मेट नहीं हुआ। मैं अभी भी इसको फॉर्मेट करने का और भी बहुत से तरीके लाऊंगा, क्योंकि ये मेमोरी कार्ड 3 से 4 साल पुराना करप्ट हुआ होगा, इसके लिए अगर आपके पास नया नया कार्ड है तो आप उसको फॉर्मेट मार लीजिए इन तरीकों से। ये तरीका मेरे में काम नहीं चला, लेकिन मैं इसको फॉर्मेट मारते रहूँगा। तो ये मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं बाकी जाता हूँ। ये आज की वीडियो में मुझे सक्सेस नहीं मिल पाया, लेकिन हर हर वीडियो में सक्सेस मिलना ये कुछ आसान बात नहीं है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।